नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोन मंत्री में। और आज समय मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर जो मैंने न्यूज नेशन का वेब पेज खोल के रखा है, और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए लोन हो, लाल बटन दबाने में सिर्फ 2 सेकंड जाता है, दबा दो यार। तो दोस्तों देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज 12 यानी 13 तारीख की बात हो रही है, 12 बजे से ब्याज पर ब्याज मामले की सुनवाई हुई थी। हालांकि इसमें अभी कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट इसमें सामने नहीं आया है, नेक्स्ट डेट आ गई है। और इसमें क्यों हुआ है, आप तो बोलोगे भाई ब्याज पे ब्याज तो और राहत मिल गई है, तो क्या है पूरा मामला इसमें? काफ़ी बड़ा आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ा इसमें आर्टिकल है, नीचे देखे रखा है। तो इसमें मैं आपको बहुत ज़्यादा संक्षेप में, बहुत इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ। देखिए, 2 करोड़ तक के लोन में तो राहत दे दी गई थी, और उस लोन में हर तरह के लोन शामिल थे, वो पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, कार लोन हो, होम लोन हो। परंतु यहाँ पे जब एक नया हलफनामा जब सुप्रीम कोर्ट में 12 तारीख को जब दाखिल करने का आदेश दिया था, तो उसमें इसलिए दिया गया था कि जो पिछले 5 अक्टूबर को जो हुआ था उसमें रियल इस्टेट जो सेक्टर था, यानी उन्होंने बोला था सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया गया, केवल 2 करोड़ तक के ब्याज जो कर्जदार हैं केवल उन पर राहत दी गई है, और हमारे जो लोन होते हैं उनके भाई 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ तक के होते हैं, हमको जो चक्रवृद्धि ब्याज जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है भाई, उसमें कोई भी राहत हमको नहीं दी गई है। तो उन्होंने इसीलिए बोला था, तो सरकार ने यानी RBI ने, और उनके हुआ था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप एक रिवाइज एफिडेविट आप 13-12 तारीख तक आप उसको जमा करिए हमारा कोर्ट में, और हम 13 तारीख को इसमें सुनवाई करेंगे। तो भाई वो उसमें नया एफिडेविट हुआ और उसमें आज सुनवाई भी हुई है। हालांकि उम्मीद ऐसी की जा रही है कि जो बड़े यानी आपके जो बड़े सेक्टर हैं, जो आपके बिजनेस सेक्टर हैं, और जो बड़े रियल इस्टेट सेक्टर हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोन दिया जाता है, ब्याज चलता है, तो उन पर राहत दे दी जाएगी। परंतु अभी उसमें फाइनल कोई मोहर नहीं लगी है। हालांकि 2 करोड़ तक के कर्ज में ब्याज पर ब्याज राहत के लिए सरकार ने उसमें ऐलान कर दिया है। MSME को भी उस सेक्टर में लाया गया है, और ये सारे सेक्टर्स से सारे होम लोन और सारे जो सेक्टर्स उसमें लाया गया है, परंतु रियल इस्टेट को उसमें लाया नहीं गया था। क्योंकि रियल इस्टेट का देखा जाए दोस्तों, तो केवल 10% से भी कम जो होता है जो 2 करोड़ के अंदर कर्जदार होते हैं, बाकी इसमें जो होते हैं वो सारे काफ़ी भारी भरकम कर्जदार होते हैं। तो दोस्तों ये पूरा मामला था, और इसमें आपको बता देता हूँ जो 2 करोड़ तक के कर्ज थे उसमें कौन कौन सा था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। इसमें MSME ऋण, शैक्षिक, आवास, उपभोक्ता, क्रेडिट कार्ड, कार्ड बकाया, पर्सनल लोन, होम लोन, मॉर्गेज लोन, सारे लोन थे जिसमें कि चक्रवर्ती ब्याज को माफ़ करने का फैसला ले लिया गया है, यानी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो लग रहा था वो नहीं लगेगा। तो ये छोटा सा एक अपडेट था दोस्तों, आपको सोचा दे दूँ। तो फटाफट मैंने काफ़ी बड़ी बात आपको संक्षेप में बता दी है, और ऐसे ही नए अपडेट आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आपको फटाफट करना क्या है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो उसको लाइक कर दो यार। तो दोस्तों चलिए वीडियो अभी बंद करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।